Now in this video you will see the solutions of question 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 from R D Sharma class 9th. And these questions are based on this LOTS, okay, based on LOTS. LOTS means lower order thinking skills. So these are based on lower order thinking skills. Mean, matlab ki sochna zyada nahi hai, lower order hai ye. Ek hota hai HOTS, jo ki isme nahi hai, 2.2 exercise mein hai, ye 2.1 exercise hai. To 2.2 mein aap dekhenge HOTS, 2.2 mein. To wahan pa jab solve karenge, to higher order thinking skills wale questions hai usme. In this one, only lower order thinking skills. So let us move on and let us solve. But ek baat batana chahunga ki in sabhi questions ke time stamps lage hue hain. आप जहां पर जाना चाहते हैं जिस क्वेश्चन पर आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, यहां प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी होल अपॉन a टू द पावर माइनस 1 b टू द पावर माइनस 1 प्लस b टू द पावर माइनस 1 इंटू c टू द पावर माइनस 1 प्लस c टू द पावर माइनस 1 इंटू a टू द पावर माइनस 1, इसकी होल वैल्यू जो है इक्वल हो जाए a b c के. यह हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, मतलब इसको, और इसको सिंपलीफाई करेंगे. सिंपलीफाई करने के बाद हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा और यही हमारा प्रूफ होगा. सबसे पहला काम जो हमारा होगा वह होगा a टू द पावर माइनस 1 और b टू द पावर माइनस 1 को पॉजिटिव करना. मतलब कि हम यहां पर रूल जानते हैं कि यदि किसी भी रियल नंबर पे नेगेटिव पावर रहेगा तो उसको हम रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर सकते हैं. मींस इतना इज इक्वल टू 1 अपॉन a हो जाएगा, सिर्फ पावर 1 पॉजिटिव हो गया है. तो ऐसे यहां करके हम सॉल्व कर लेंगे पहले. तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, देखिए, यदि हम a टू द पावर माइनस 1 * b टू द पावर माइनस 1 को पॉजिटिव करें तो 1 अपॉन ए भी मिलेगा, प्लस सिमिलरली यहां भी हो जाएगा. ऐसा मिलने के बाद हम यहां पर एलसीएम लेंगे ए बी बी सी और सी ए का. आखिर हम एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखिए पहले हम लिख लेते हैं. यहां पर हमें इन तीनों का एलसीएम चाहिए तो हम पहले ए से डिवाइड करेंगे तीनों में. ए से डिवाइड करेंगे, देखिए यहां पर ए भी यदि ए से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बचेगा. यहाँ पर ए से डिवाइड करेंगे तो ये तो कुछ इसमें ए है नहीं, तो बी सी का बी सी रहेगा. ए से डिवाइड यहाँ करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा केवल सी. अब हमें डिवाइड करना होगा बी से, तो बी से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 1. यहाँ पर बी से इसमें बी से डिवाइड करेंगे, ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी मिलेगा हमें, और यहाँ पर तो सी रहेगा ही क्योंकि सी में बी है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा. फिर सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1, और सी से यहाँ पर करेंगे 1 और यहाँ भी 1. मतलब कि ए इंटू बी इंटू सी, ये हमारा एल से मिल जाएगा इन तीनों का. देखिए ये मेथड आप तभी अप्लाई करिएगा जब यहाँ पर मल्टीपल्स में दिया हो, मतलब a इंटू समथिंग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया हो तो उनके एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है आसानी से. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसी ए बी सी एलसीएम को लेकर के. तो यहाँ पर ए बी बी सी सी ए का जो एलसीएम है हम लिख लेंगे ए बी सी. अब यहाँ देखिए ए बी सी यदि डिवाइड करते हैं ए बी सी में तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और सी बचेगा, तो सी यहाँ लिख देंगे सी, प्लस क्योंकि सी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो सी ही आएगा ना. फिर बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ए ही आएगा. सिमिलरली वी कैन गेट हियर बी. यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहां पर ये जो लाइन थी ये इसके ऊपर का जो ये टर्म था वो न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है. तो डिनोमिनेटर में जो ये वाला टर्म है ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा इससे, और कैंसिल होने के बाद ये जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां तो 1 हो चुका है तो ए बी सी ही बचेगा. मतलब कि इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी, और दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो वी हैव कम हियर, हैंस प्रूव्ड. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, ए टू द पावर माइनस 1 प्लस बी टू द पावर माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी अपान ए प्लस बी. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर देखिए a टू द पावर माइनस 1 है और यहाँ b टू द पावर माइनस 1 है, तो पहले पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. मतलब कि a टू द पावर माइनस 1 है उसको आप 1 अपन a और b टू द पावर माइनस 1 है उसको 1 अपन b करके सॉल्व करेंगे. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपन a, b टू द माइनस 1 इज 1 अपन b होल टू द पावर माइनस 1. अब यहाँ a और b का एलसीएम ले लेंगे तो a इंटू b करने पर मिलेगा हम एलसीएम. ए से डिवाइड करेंगे तो बी ए कैंसिल हो जाएगा, बी मिलेगा, बी इंटू 1 बी प्लस बी से डिवाइड करेंगे ए मिलेगा. सो दिस मच टू द पावर माइनस 1, तो बी प्लस ए अपान ए प्लस ए बी का होल टू द पावर माइनस 1 है. तो आपने पढ़ा होगा कि यदि एक्स अपान वाई है और उसका पावर में है माइनस 1 तो इसको हम लिख देते हैं वाई अपान एक्स, और ये पावर माइनस जो 1 है
वो प्लस वन हो जाता है। तो मतलब केवल आपको रेसिप्रोकल लेना होता है इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का, तो यहाँ भी वही करना है। तो ये माइनस वन जो है प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लिख सकते हैं ए बी अपान बी प्लस ए, ठीक है, होल टू द पावर क्या है वन, तो हम उसको हटा सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ए बी अपान बी प्लस ए हो गया, और ये बी प्लस ए को आप ए प्लस बी भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपान ए प्लस बी, और दिस इज योर आर एच एस हैंस प्रूव्ड। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फाइव एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स टू द पावर ए अपान एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर बी अपान एक्स टू द पावर सी बी स्क्वायर होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर सी अपान एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या है, यहाँ पर ए और बी पावर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर बी और सी है इसीलिए यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ सी और ए है तो सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसी का यूज़ करके हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे बहुत आसानी से। धीरे देखिएगा स्टेप वाइज कि कैसे सिंपल हो रहा है ये। सबसे पहले हम ले लेंगे एल एच एस, सबसे पहले हम करेंगे इसमें क्या, इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि a टू द पावर m रहता है और a टू द पावर n रहता है, तो हम क्या करते हैं इस n को m में से माइनस कर देते हैं, a माइनस m, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर, यहाँ मिलेगा हमें x टू द पावर b माइनस सी होल टू द पावर दिस वन, यहाँ मिल जाएगा x टू द पावर c माइनस ए होल टू द पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा है x टू द पावर m होल टू द पावर n, यदि ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x टू द पावर m इंटू n हो जाता है, तो यहाँ भी वही करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई मत करिएगा, आपको यहाँ पर एक फार्मूला ढूंढना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट दिस फॉर्मूला इज देयर, ए माइनस बी में यदि मल्टीप्लाई किया जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसको यदि एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा इतना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि इन दोनों का जो फार्मूला होता है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन है, इंटू एक्स टू द पावर यहाँ हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, क्योंकि ये बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, इसलिए इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ओके, तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सी पहले दिया है बाद में ए दिया है, उसी तरीके से करिएगा। यहाँ पर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ है बी माइनस सी तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पर ए माइनस बी है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको यहाँ पता है, देखिए बेस बराबर है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, और इनके पावर्स को ऐड कर देंगे, एक्स टू द पावर ऐड करने पर इतना मिलेगा, और आप देख पा रहे हैं कि ए क्यूब और यहाँ पर है माइनस ए क्यूब, तो दिस विल बी कैंसिल आउट, माइनस बी क्यूब है यहाँ पर प्लस बी क्यूब है तो दिस विल आल्सो बी कैंसिल्ड आउट, और यहाँ पर देखिए इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमें इसके पावर में क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर मिलेगा जीरो, सब कटने के बाद जीरो मिलेगा, वन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, सब कट गया ना तो जीरो मिलेगा। तो एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, मतलब कि किसी भी नंबर के पावर में यदि जीरो लगा देंगे तो उसकी वैल्यू वन ही होती है, वन इज राइट हैंड साइड, यही तो हमें लाना था। यहाँ पर आप देख रहे हैं वन आ गया, सो हमने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन सिक्स, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करने का मतलब कि इसको सिंपल बना देना। तो हम यहाँ पर जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उन सभी लॉज को देखेंगे कहाँ से कैसे अप्लाई होगा और अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इतना इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम, थ्री टू द पावर एन है तो यहाँ पर देखिए नाइन को लिख सकते हैं थ्री टू द पावर टू। ओके, तो सबको न्यूमरेटर में सभी को थ्री टू द पावर समथिंग के पावर में लिख देंगे,
तो ये तो ऑलरेडी है 3 टू द पावर n इंटू, यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर है n प्लस 1 होल अपान, यहाँ पर 3 टू द पावर n माइनस 1 पहले से है, यहाँ पर 9 की जगह लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर है n माइनस 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर्स को, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला कि a टू द पावर m होल टू द पावर n रहता है, तो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2n प्लस 2 यहाँ मिल जाएगा 2n प्लस 2 होल अपान, यहाँ आपको मिलेगा 3 टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 2n माइनस 2। अब यहाँ देखिए 3 के जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि यदि बेस बराबर होता है, जो 3 यहाँ पर बेस बराबर है, देखिए यहाँ पर 3 है और ये 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यदि बेस बराबर हैं तो उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं, मिलेगा हमें 3 टू द पावर n प्लस, तो हमें इतना मिल जाएगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे, अब यहाँ पर हमें और सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस बराबर है, फिर से देखिए न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम फॉर्मूला ला सकते हैं 3 टू द पावर m यदि रहता है और 3 टू द पावर n रहता है तो लिख सकते हैं 3 टू द पावर m माइनस n, तो यहाँ पर वही काम करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 टू द पावर 3n प्लस 2 और इसमें से माइनस कर देंगे, देखिए जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर 3n माइनस 3, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो क्या मिल जाएगा 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देख सकते हैं आप 3n जो है पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो दिस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, और यहाँ पर 2 प्लस 3 है तो 3 आपको मिल जाएगा पावर में 5, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 टू द पावर 5, और यदि आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 243 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, जो हमारे पास क्वेश्चन था इतना इज इक्वल टू आ जाएगा 243। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6, 5 इंटू 25 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर 2n होल अपान 5 इंटू 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 टू द पावर n प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक आपका 5 इतना टर्म है और आपका यहाँ से एक दूसरा टर्म है, और यहाँ पर है तीसरा, डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स हैं, ये आपका एक टर्म है और ये आपका अलग एक टर्म है, तो इन सभी दोनों टर्म्स में से आप कुछ कॉमन लेंगे, है ना, ऐसे हम सोचेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो कॉमन लेने के लिए हमें इसको कॉमन जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 25 टू द पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम इसको 5 टू द पावर समथिंग लिखेंगे, ओके तो लेट अस राइट इट, देखिए यहाँ पर 5 इंटू, यहाँ लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 और उसका पावर है आपके पास n प्लस 1, यहाँ पर देखिए 25 है, 25 को हम 5 टू द पावर समथिंग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2n। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ पर 25 है वहाँ पर 5 के फॉर्म में पावर को ले रहे हैं, बेस 5 बना रहे हैं हम, यहाँ पर ऑलरेडी 5 दोनों हैं तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए 25 है तो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू एन प्लस 1 तो मिलेगा 2n प्लस 2 यहाँ पर 5 टू द पावर, देखिए पावर यहाँ पर है, यहाँ भी 5 टू द पावर समथिंग है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं पावर्स को, तो मिल जाएगा 2n प्लस 2 होल अपान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 5 इन दोनों के पावर्स को ऐड करेंगे तो 5 टू द पावर 2n प्लस 4 मिलेगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टू द पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, तो हमारा ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि 5 टू द पावर 2n प्लस 2 है और यहाँ भी 5 टू द पावर 2n प्लस 2 है, तो इन दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में तो मिल जाएगा हमें 5 टू द पावर 2n प्लस 2
और यहां पर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा 5 माइनस यहां पर 1 बचेगा। तो यहां पर ध्यान समझिएगा, यहां पर ऑलरेडी 5 टू द पावर 2n प्लस 2 है और यहां पर हम 5 टू द पावर 2n प्लस 4 है। तो इसमें से यदि हम कॉमन ले लें 5 टू द पावर 2n प्लस 2 तो यहां बचेगा केवल 2, है ना। देखिए 2n प्लस, यदि हम 2n प्लस 4 को लिख दें 2n प्लस 2 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इस वाले को 5 के साथ कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा, 5 टू द पावर 2 बच जाएगा, यहां पर 5 टू द पावर दिस विल बी कॉमन हो जाएगा। तो यदि हम यहां पर इन दोनों में से 5 टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो यहां मिल जाएगा हमें 5 टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया हमने, तो यहां पर प्लस 2 कॉमन लिया तो 2 बचा हुआ है, मतलब कि 5 टू द पावर 2 यहां पर बचा हुआ है, माइनस यहां पर 1 है क्योंकि यहां पर तो पूरा कंप्लीटली आपने कॉमन ले लिया। और यहां देख रहे हैं कॉमन जो लिए हैं वो कैंसिल आउट हो सकता है, इसका मतलब कि बस हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, मतलब कि देखिए 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 अपान 5 टू द पावर 2 मतलब 25 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4 अपान 24 और 4 वन जा 4 4 6 जा 24 1 अपान 6। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6। यहां पर सबसे पहले जो 8 टू द पावर n प्लस 1 दिया हुआ है, इस 8 टू द पावर n प्लस 1 को ब्रेक करेंगे 2 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे, और यहां भी 8 को लिखेंगे 2 टू द पावर समथिंग, और यहां पर 2 टू द पावर समथिंग तो ऑलरेडी है, यहां भी 2 टू द पावर समथिंग ऑलरेडी है। सबसे पहले यहां पर हम 2 टू द पावर समथिंग कर लेंगे, तो जहां 8 है वहां पर हमने 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 लिख दिया और कहीं पर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 टू द पावर m इनटू n करते हैं, 2 टू द पावर m रहेगा और पावर n रहेगा, तो क्या करते हैं 2 टू द पावर m इनटू n कर लेते हैं, तो वही यहां पर करेंगे जहां जहां पर मल्टीप्लाई करना है यहां पर। तो यहां मिल जाएगा 2 टू द पावर 3n प्लस 3 और यहां पर जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिख देंगे, यहां पर होल अपान यहां पर एज इट इज उतार देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 टू द पावर 3n हो जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 टू द पावर यहां भी 3n है, 2 टू द पावर यहां भी 3n है, इसका मतलब कि हम 2 टू द पावर 3n दोनों में से इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में 2 टू द पावर 3n है तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2 टू द पावर 3n, और यहां भी देखिए 2 टू द पावर 3n यहां भी है और 2 टू द पावर 3n यहां भी है, लेकिन यहां पर प्लस 3 भी है और माइनस 2 भी है, तो इसको कैसे हटाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, आप जानते होंगे कि 8 टू द पावर m प्लस n रहता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि आपका ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां पर जो 2 टू द पावर 3n प्लस 3 है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना, 2 टू द पावर 3n मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3, हम ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो वही यहां पर हम काम करेंगे, 2 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3 कर सकते हैं, और यहां पर कर सकते हैं 2 टू द पावर 3n और इंटू 2 टू द पावर माइनस 2। देखिए यहां पर 2 टू द पावर यदि आपके पास है 3n माइनस 2 तो लिख सकते हैं आप 2 टू द पावर 3n प्लस ब्रेकेट में माइनस 2, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 और ये 2 टू द माइनस 2 1 अपन 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहां पर लिख देंगे और नीचे भी वही काम करेंगे। तो यहां तो कुछ करना नहीं है, यहां तो 2 टू द पावर 3n ऑलरेडी है, तो यहां मिलेगा 6 इंटू 2 टू द पावर 3n मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 प्लस 16 इंटू 2 टू द पावर 3n मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर माइनस 2। बस हम क्या कर रहे हैं यहां पर, 2 टू द पावर 3n को सेपरेट कर रहे हैं, इसमें से भी 2 टू द पावर 3n को सेपरेट कर रहे हैं और यहां भी 2 टू द पावर 3n को अलग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3n यहां भी अलग कर सकते हैं इंटू 2 टू द पावर 1 होगा यहां माइनस। अब यहां पर देखिए हमारे पास कॉमन करने के लिए 2 टू द पावर 3n अलग हो चुका है, तो इन दोनों को हम ऊपर से कॉमन कर लेंगे, मतलब इस पूरे टर्म में से, ये पूरा एक टर्म है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूसरा टर्म है, और इन दोनों टर्म में से हम 2^3 कॉमन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, इन दोनों में से 2^3 एंड 2^3 कॉमन हो सकता है। तो लेट अस डू दैट। जो ब्रेकेट में बचेगा उसको सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए 6 यहाँ बचेगा इंटू यहाँ 2^3 मतलब क्या हो गया 8 प्लस यहाँ देखिए 16 बचा है, तो 16 इंटू 2^-2 का मतलब हो गया 1/2 मतलब कि 4 ओके होल अपान। यहां भी देखिए 2^3 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, देखिए 10 बचेगा और 2 बचेगा, तो 10 इंटू 2 माइनस यहां बचेगा क्या 7 ओके। यहां पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हम ये कैंसिल करने के लिए ही कॉमन लिए हैं बस। ये ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही हैंडल करेंगे। यहां पर देखिए 4 1 4 और 4 4 16 हो जाएगा, तो यहां बचा 4 और ये 6 8 जा, तो सॉल्व कर लेंगे थोड़ा यहाँ तो मिलेगा हमें 48 6 एट जा 48 प्लस ये हो जाएगा 4 होल अपन 10 इंटू 2 20 माइनस 7, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 48 प्लस 4 इज 52 होल अपन 20 माइनस 7 इज 13 एंड 13 का टेबल पढ़ लेंगे आप, 13 में जा 13 4 जा 52, तो 4 आ गया आपका आंसर, मतलब 4 आपका नंबर आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 2^2x माइनस 2^x प्लस 3 प्लस 2^4 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है ओके। तो ये थोड़ा सा यूनिक है, समझिएगा कैसे करेंगे। इट इम्प्लाइज यहां पर देखिए 2^2 जो 2x है इसको लिखा जा सकता है 2^2 होल टू द पावर x, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2^x होल टू द पावर 2, मतलब ये पावर्स इंटरचेंज हो सकते हैं, तो 2^x^2 ऐसा यहां पर लिख लेंगे 2^x होल टू द पावर 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा इसको पहले लिख लीजिए। इतना माइनस देखिए 2^3 यहाँ पर x प्लस 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2^x प्लस 3 को इस तरीके से 2^x इंटू 2^3 ओके। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि आप इन दोनों के पावर्स को फिर से ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2^x इंटू 2^3 प्लस 2^4। अब यहाँ पर जो हमारा 2^x है इसको सपोज कर लेंगे y या कोई दूसरा वेरिएबल, एनी वेरिएबल यू कैन सपोज, सपोज कर लेंगे लेट 2^x इज इक्वल टू y। अब जहाँ पर 2^x है इस इक्वेशन में वहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे y, तो y स्क्वायर माइनस 2^2 4^8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8y प्लस ये हो जाएगा 2^4 16। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, मतलब इसको यदि हम लिखें इस तरीके से वाई स्क्वायर माइनस 2 × y × 4 तो 2ab हो जाएगा ये, तो माइनस 2ab प्लस 16 को यदि हम 4 स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए किसी क्वांटिटी का स्क्वायर यदि 0 है तो वह क्वांटिटी भी 0 होनी चाहिए है ना, मतलब किसी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 तभी होता है जब वो क्वांटिटी ही 0 हो, तो इट इम्प्लाइज यहाँ लिख सकते हैं कि वाई माइनस 4 स्क्वायर इज 0 देन इट इम्प्लाइज वाई माइनस 4 इज 0 वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू 4 मिल चुकी है, बट हमने y की वैल्यू क्या माना था 2^x, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट, तो लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, पुट कर देंगे y की वैल्यू तो मिल जाएगा 2^x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2^x इज इक्वल टू यहाँ पर 2^ फॉर्म में लिखिए 4 को, तो 2^ हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, यदि बेस बराबर हो जाता है तो पावर भी इक्वल होना ही चाहिए। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2,
So this is your answer for this part. Now the second part of question 7, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 3 divided by 2x plus 4 है, पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, मतलब यूज करेंगे फार्मूला a टू द पावर m प्लस एन इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. तो ऐसे रहेगा, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. तो यहाँ भी हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 divided by 2x into 3 divided by 4 plus 1 is equal to 2 into, यहाँ भी ब्रेक कर लेंगे 3 divided by x plus 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 3 divided by x into 3 divided by 2. अब यहाँ पर हम 3 divided by 2x है इसको लिख सकते हैं 3 divided by x whole to the power 2. ओके, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या 3 divided by x into, देखिए 3 divided by 4 की वैल्यू होती है 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 divided by x into 3 यहाँ पे होता है 9. अब यहाँ पर जो 3 divided by x है, यहाँ पर सपोज कर लेंगे एक अनदर वेरिएबल ताकि आसानी से सॉल्व हो सके. तो लेट 3 divided by x इज इक्वल टू y पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 81y square, है ना, 81y square प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 into 9 is 18y. इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो मिल जाएगा हमें 81y square minus 18y plus 1 is equal to 0. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 81 को लिख सकते हैं 9 और y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 into 9y into 1, तो 2ab हो गया, अब प्लस ये b स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर. तो ये आपका होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 into a into b plus b square. तो फार्मूला का यूज करेंगे यहां पर और हमें मिल जाएगा 9y minus 1 का होल स्क्वायर. ओके, जैसे कि फार्मूला लिख देते हैं एक बार यहां पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab plus b square रहता है, तो यहां पर ये हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यही फार्मूला यहां पर यूज कर रहे हैं हम. तो इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब ये बताइए, किसी नंबर का स्क्वायर यदि 0 है तो वह नंबर भी 0 होना चाहिए. इट इम्प्लाइज 9y minus 1 must be 0. इट मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा 1/9. इसको हम मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसकी वैल्यू जो हमने y इक्वल टू 1/9 लाई है यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट 3 to the power x is equal to 1/9. अब हमें करना क्या है कि 1/9 को 3 to the power something के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो बेस बराबर होगा दोनों तरफ और पावर को इक्वेट कर सकते हैं. तो यहाँ लिखना होगा 3 to the power x is equal to, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 to the power 2, और आप जानते हो कि 1/a to the power m रहता है, तो इसको लिख सकते हैं हम a to the power minus m. तो यहाँ भी वही करेंगे और यहाँ मिल जाएगा 3 to the power x is equal to 3 to the power minus 2. अब यहाँ पर देखिए बेस बराबर है, यहाँ बेस 3 है और यहाँ भी बेस 3 है, तो बेस यदि इक्वल होता है तो पावर्स भी, एक्सपोनेंट जो होता है वो भी इक्वल होता है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7, यहाँ पर लग रहा होगा कि थर्ड पार्ट ही सबसे ज़्यादा टफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान यही है. कैसे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो 4 to the power x minus 1 है इसको आसानी से लिखा जा सकता है 2 to the power something, और यहाँ पर 0 and 5 है इसको भी हम 2 to the power minus 1 लिख करके, और 2 to the power something लिखा जा सकता है इसको भी, और यहाँ भी लिख सकते हैं 2 to the power something. तो सबको पहले हम 2 to the power something के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर आसान है, कर लेते हैं यहाँ पर. इट इम्प्लाइज यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 2, 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, और पावर यहाँ पर x माइनस 1 रहेगा, इंटू 0.5, ध्यान दीजिएगा 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 को लिख सकते हैं 2 to the power minus 1. ओके, तो हम 0.5 को लिख सकते हैं 2 to the power minus 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 to the power minus 1
होल टू द पावर 3 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 1 अपॉन 8 है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, और यदि हम इसको न्यूमिरेटर में ले जाएंगे तो 2 टू द पावर हो जाएगा माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस 3 होल टू द पावर x। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 टू द पावर माइनस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 टू द पावर माइनस 3x। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए यदि ऐसा रहेगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, मतलब a टू द पावर हो जाता है m प्लस n, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 2x माइनस 2 प्लस माइनस 3, मतलब ब्रैकेट में होगा माइनस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 टू द पावर है माइनस 3x। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है ऊपर को, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 3, और ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 3x। अब यहाँ पर सो सिंप्लीफाई कर और करेंगे तो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 2 टू द पावर देखिए 2x प्लस 2x 4x, और यहाँ माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 टू द पावर माइनस 3x। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमें मिला है यहाँ पर बेस देखिए बराबर है दोनों का, यदि बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल होना ही चाहिए, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि 4x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3x। अब वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे तो मिल जाएगा हमें 4x प्लस 3x, और कांस्टेंट्स को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे 5 मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 5, तो इट इम्प्लाइज यू नो व्हाट विल हैपन, इट इम्प्लाइज हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/7। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 49,392 इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 2 इंटू सी टू द पावर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी वेयर ए बी सी आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। तो यहाँ पर जो ये नंबर है ये एक इंटीजर है, और हम एक बात जानते हैं कि कोई भी इंटीजर हो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, मतलब जो 6 के फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 होंगे और 1 होगा, मतलब ये यूनिक होगा, अब 2 और 3 के अलावा कोई भी और फैक्टर 6 का नहीं हो सकता। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे एबीसी की वैल्यू, कैसे, ये जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो इसके फैक्टर्स हैं उनको पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो अलग अलग जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको देखेंगे कि कितने कितने पावर्स में वो आ रहे हैं, और उस तरीके से हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस डू दिस, जब हम फैक्टराइज करेंगे 49,392 को तो हमें मिलेंगे 2 4 टाइम्स, 3 जो है 2 टाइम्स, एंड 7 3 टाइम्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसके फैक्टर्स को, यहाँ पर हम लिस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर सभी फैक्टर्स को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, यदि इनको पावर के फॉर्म लिखते हैं तो मिलेगा हमें 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 3, 7, इनके डिफरेंट वैल्यूज पावर में मिल गए हमें, और इधर जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं इधर भी हमारे सेम तरह के पावर्स मिल रहे हैं, मतलब 4, 2, और यहाँ पर सी का पावर 3 है, जो यहाँ पावर मिल रहा है राइट साइड में 4, 2, 3, वही पावर लेफ्ट साइड में मिल रहा है 4, 2, 3। तो ये दो नंबर जब इक्वल हैं, जब इक्वल हैं और इनके पावर्स इक्वल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, माने करस्पॉन्डिंग पावर्स, ये 4 जो है इक्वल है यहाँ 4 के, और ये जो 2 है वो इक्वल है इस 2 के, और यहाँ 3 जो है इसके बराबर है। जब करस्पॉन्डिंगली जो पावर्स हैं वो इक्वल मिल रहे हैं, जो करस्पॉन्डिंग बेसिस होंगे वो भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि नंबर यूनिक होता है, नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं यूनिक होते हैं, तो यदि पावर्स मैच कर रहे हैं तो समझ जाइए कि उनके बेस भी मैच करेंगे करेंगे। तो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3,
and C is equal to 7. So this is your answer. जो मैंने यहाँ पर बोला उसको लिख भी लेंगे आप कि सिंस पावर्स आर करस्पॉन्डिंग पावर्स आर इक्वल देयर फोर बेसिस मस्ट बी इक्वल, ये लिख करके फिर ये लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इफ 1176 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए इंटू 3 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी, फाइंड ए बी सी. तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है यदि इतना बराबर इतना है. तो इसका मतलब कि इस नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वह 2 और 3 और 7 ही होंगे. अब कितने होंगे यही फाइंड करना है. तो 1176 के फैक्टर्स निकाल लेंगे पहले फैक्टराइज करके. तो हमारे फैक्टर्स मिल जाएंगे ऐसे, देखिए 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, 3 एक ही टाइम आ रहा है सिंगल, और 7 जो है 2 टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पर 1176 के नीचे इसके साथ इसके फैक्टर्स को लिख देंगे, इनको अब पावर्स के फॉर्म लिख देंगे. जैसे 2 जो है 3 टाइम्स है तो 2 टू द पावर हो जाएगा 3, 3 जो है 1 टाइम्स है तो 3 तो पावर 1 ही रहेगा, इंटू 7 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए इंटू 3 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंगली हम देखें कंपेरिजन करने पर, तो यहाँ पर बेस देखिए 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, और यहाँ 7 है बेस, और यहाँ पर 7 बेस है. तो बेसेस आर इक्वल, यदि बेस दोनों साइड में LHS में और RHS में यदि बेसिस इक्वल हो जाते हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पावर्स इक्वल होंगे. ओके, सो वी कैन राइट इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 3. ए जो यहाँ पावर है वो 2 का है और 2 का पावर यहाँ 3 है तो ए इज इक्वल टू 3 होगा. एंड सिमिलरली बी इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर बी है और यहाँ 3 का पावर 1 है, सो बी इज इक्वल टू 1. एंड सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी 7 टू द पावर 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. मतलब कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. ऐसे ही नंबर 10, गिवन 4725 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ए, 5 टू द पावर बी एंड 7 टू द पावर सी, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए बी सी. तो ए बी सी का इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है. इंटीग्रल का मतलब है कि इंटीजर्स, ए बी सी की जो वैल्यू होगी ना वो इंटीजर के फॉर्म में होगी, तो उसी की वैल्यू फाइंड करनी है. और उसके बाद फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पुट करके फाइंड कर लेंगे. तो लेट अस डू इट. सबसे पहले आप लिख लेंगे ऐसे और 4725 को फैक्टराइज करेंगे और इसके फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेंगे. फैक्टराइज करने पर मिलेगा 3 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स एंड 7 1 टाइम. यहाँ पर हम ये जो फैक्टर्स हैं उनको पावर्स के फॉर्म में लिख लेंगे. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बेसिस इक्वल हैं, मतलब यहाँ पर 3 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में इक्वल है, 5 यहाँ पर देखिए और ये 7. तो इसका मतलब कि बेस यदि इक्वल होता है तो पावर्स, करस्पॉन्डिंग पावर्स भी इक्वल होते हैं. ऑन कंपेयरिंग इंटीग्रल वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए कितनी बार आया था, ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट ए इज इक्वल टू 3, वी विल गेट बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1. दीज आर द इंटीग्रल वैल्यूज. तो ये फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. हमें सेकंड फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ दिस. तो सेकंड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे बस. तो हमारे पास जो पूछा है 2 टू द पावर माइनस ए इंटू 3 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी, यहाँ वैल्यूज को पुट करिए. तो 2 टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1. सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 9 9 7 63 हो जाएगा अपान, और 2 टू द पावर 3 जो होता है वो क्या होता है 8, तो हो जाएगा आपका 63/8. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर पी माइनस 1 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस 1 एंड सी इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर आर माइनस 1, प्रूव दैट ए टू द पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई बी टू द पावर आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई सी टू द पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1. तो ए बी सी की वैल्यू दे दी है हमें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेना है और इसको वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और 1 ला देना है. यदि ऐसा आ गया तो समझ लीजिए कि प्रूफ हो गया. टेकिंग LHS
हम ये पूरा वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. अब ए की वैल्यू यहाँ पर है एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन, तो इस ए की जगह पर रख देंगे इसकी वैल्यू. पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी वी गेट, तो यहाँ पर ए की जगह पर रखेंगे यदि एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन तो इतना मिल जाएगा, इन टू बी की जगह पर लिखेंगे एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस वन होल टू द पावर हो जाएगा यहाँ पर देखिए आर माइनस पी, इन टू सी के वैल्यू यहाँ पर है होल टू द पावर यहाँ पर पी माइनस क्यू. अब यहाँ पर आप जानते हैं कि यदि ए बी होल टू द पावर यदि m होता है तो जो m पावर है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब a टू द पावर m इन टू बी टू द पावर m ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ पर वही काम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर q माइनस r इन टू y टू द पावर, ठीक है, y टू द पावर p माइनस वन होल टू द पावर q माइनस r दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, तो ऐसे आप पूरा पुट कर लिए सारा, यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर r माइनस पी और y टू द पावर q माइनस वन का होल पावर r माइनस पी, और यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर p माइनस क्यू एंड y टू द पावर r माइनस वन का होल पावर p माइनस क्यू. अब देखिए यहाँ पर सभी के सभी जो यहाँ पर नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाइड हैं, मतलब कि x टू द पावर दिस मच मल्टीप्लाइड बाई दिस मच मल्टीप्लाइड बाई दिस मच, मैंने जो डॉट है उनके बीच में वो मल्टीप्लीकेशन है. इसका मतलब कि हम इनको साथ में ले सकते हैं, जो एक्स एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ में ले सकते हैं और जो वाई वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ कर सकते हैं. तो लेट अस डू दैट. तो हमने यहाँ पर वाई के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक साथ लिख लिया है और एक्स के जो पावर्स हैं उन सबको एक साथ कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर जो बेस बराबर होता है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हम किए हैं ऐसा. तो अब यहाँ पर पावर्स को ऐड कर सकते हैं, एक्स टू द पावर हो जाएगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इन टू, यहां पर देखिए इसके पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड भी कर देंगे तो क्या मिलेगा y टू द पावर, यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो y टू द पावर मिलेगा पी क्यू, देखिएगा पी क्यू इन टू पी आर, तो पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस वन से करेंगे q में तो माइनस वन इंटू क्यू इज माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर इज प्लस आर प्लस, देखें हम इसके जो पावर्स को ऐड भी कर रहे हैं यहाँ पर, ऐड भी कर रहे हैं और साथ साथ में मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं. देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर q इंटू आर तो हो जाएगा क्यू आर, क्यू इंटू पी माइनस क्यू पी, माइनस वन इंटू आर इज माइनस आर, माइनस वन इंटू माइनस पी इज प्लस पी. यहाँ पर यदि आपका साइन कोई भी चेंज हुआ, कोई भी मिस्टेक हुआ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. यहाँ भी करते हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस आर इंटू पी, फिर आर इंटू क्यू माइनस आर इंटू क्यू, माइनस वन इंटू पी माइनस पी, माइनस वन इंटू क्यू प्लस क्यू. तो देखिए हमने x के पावर्स में सबको लिख लिया है और y के पावर्स में सबको लिख लिया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो अपोजिट साइन वाले होंगे तो उनको कैंसिल आउट कर देंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि q, यहाँ पर q अपोजिट साइन है, r देखिए माइनस आर प्लस आर, माइनस पी माइनस प्लस पी कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पर मिल जाएगा x टू द पावर जीरो मिल जाएगा, यहाँ पर x टू द पावर जीरो मिल जाएगा इन टू वाई टू द पावर. अब चेक करते हैं कि कहीं पर कैंसिल आउट हो रहा है क्या. देखिए पी क्यू यहाँ है तो पी क्यू को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस पी क्यू पी है तो माइनस क्यू पी से, फिर माइनस पी आर प्लस पी आर, यहाँ पर आर पी है तो आर पी और पी आर दोनों सेम है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस पी एंड प्लस पी, माइनस आर एंड प्लस आर, माइनस आर क्यू एंड प्लस क्यू आर. तो ये सारे के सारे कैंसिल हो गए हैं और यहाँ भी मिल गया वाई टू द पावर जीरो. तो ये बताइए यदि एक्स टू द पावर जीरो है तो वन होगा इन टू वाई टू द पावर जीरो होगा तो वो भी तो वन होगा, तो वन इंटू वन क्या हो गया, वन आ गया. और हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमें वन ही लाना था यहाँ पर.
तो वी हैव प्रूव्ड इट नाउ. सो इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप आर एच एस हैंस प्रूव्ड. तो हमने क्वेश्चन नंबर फाइव टू सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है. यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. यदि डाउट नहीं भी है तब भी कुछ लिखिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.